दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है होटल सेक्टर। होटल इंडस्ट्री का Q1 बहुत अच्छा नहीं रहा और रिजल्ट्स बहुत डिसेंट नहीं आए। मेरा मानना ये है कि Q2 इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और इस सेक्टर के अंदर मेरे को दो कंपनियाँ बहुत पसंद आती हैं, एक है इंडियन होटल जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है और दूसरी कंपनी है लेमन ट्री जिसका कोड है LMNT। दोनों कंपनी बहुत स्ट्रांग है, अच्छे खासी ब्रांड की प्रेजेंस है। कंपनी का आगे मैनेजमेंट का प्लान अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मोड पे नहीं है, अब एक स्टेबलाइज मॉडल हो चुका है। और आगे आने वाले जो मंथ्स हैं उसमें मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से सीजन के बाद डिमांड उठेगी, बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, उसको मार्केट डिस्काउंट करेगा। और ये सेक्टर लेमन ट्री होटल्स और इंडियन होटल कॉरपोरेशन, इसके अंदर बड़ा पैसा बनेगा और यहाँ से ये बहुत अच्छी तरह स्टेबलाइज्ड हैं। कंपनी पे नेग्लिजिबल बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। और दूसरी बात ये है, कंपनी बहुत अच्छी तरह स्टैंड है, यहाँ से बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका है। और यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी डिमांड आने वाली है। हम ये देखेंगे अक्टूबर नवंबर में इस सेक्टर पे बहुत डिमांड आएगी और अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ मेरी बाई की रेटिंग है दोनों के ऊपर, बाई ऑन डिप्स है दोस्तों, एक्यूमुलेट करिए, आप मोटा पैसा बनेगा यहाँ पर। किसी भी तरह के शेयर के लिए आप अपनी क्वेरी लिख के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।